सो हमेशा की तरह हम हाजिर आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके। सो रिसेंटली मैंने आईमैक्स प्लेयर पे वेब सीरीज देखी भाभी जी गड़बड़ है। ये कमेंटर में जानने वाली वेब सीरीज है जिसके डायरेक्टर है केवल सिंह। तो आज वीडियो करेंगे इस वेब सीरीज को जानने की कैसी वेब सीरीज, क्या वेब सीरीज आपके लिए देखने लायक है या नहीं, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। अपने भाभी जी घर पर है ये सीरियल तो जरूर देखा होगा जो सब टीवी में आता था एंड वो अपने टाइम का काफी पॉपुलर सीरियल बन चुका था। इस वेब सीरीज को उसी सीरियल का एडल्ट वर्जन आप कह सकते हैं। ये कहानी सविता भाभी की जो रिसेंटली सोसाइटी में शिफ्ट हुई है। सविता एक मेड है सोसाइटी में, कार्तिक के घर में वो एज अ मेड काम करती है। एंड जब से सविता सोसाइटी में आई है तब से सोसाइटी के सारे नौजवान सिर्फ उसी के पीछे पड़े हुए हैं ताकि वो उनसे बातचीत कर सके, दोस्ती कर सके एंड दिन भर इसी के जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो क्या रहती है इसकी पूरी कहानी ये जानने के लिए देखिए 1 hour 26 minutes की वेब सीरीज अभिजी गड़बड़ है हंगामा एंड एम एक्सप्लेयर। सीरीज के स्क्रिप्ट एंड इसकी स्टोरी टेलिंग बिलो एवरेज है। मुझे इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कॉमेडी जॉनर की वजह से मैंने सीरीज को देखा पर मैं टोटली डिसअपॉइंट था क्योंकि कॉमेडी के नाम पे हमें सिर्फ वल्गर लाइंस, डबल मीनिंग जोक्स ही देखने को मिलते हैं जिससे सुनना भाई टोटली ऑकवर्ड फील हो रहा था। स्क्रीन प्ले डायलॉग्स टोटली बिलो एवरेज है। एडिटिंग वीक है इसका। पूरी सीरीज 1 hour 26 minutes की है जिसमें कुल 4 episodes हमें देखने को मिलते हैं। बाकी रिकास्टिंग की तो इस सीरीज के लीड रोल में है दीप्ति पांडे, बबीता पाटीदार, गौरन वर्मा, तक्ष नारंग आदि आदि से कलाकार। ओवरऑल सभी कलाकार की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रहती है। आखिर क्लाइमैक्स की तो उसका क्लाइमैक्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शॉर्ट्स ये एक बिलो एवरेज वेब सीरीज है जिसे देखना टोटली टाइम वेस्ट है। अगर आप कॉमेडी सीरीज या फिर कॉमेडी मूवीज के तलाश में तो आपको कोई दूसरा मूवी ट्राई करना चाहिए। मैं सीरीज को रेट करूंगा 1 out of 10 stars। पैंडेगलेंस की बात करते हैं टोटली 18+। अगर आपने सीरीज को पहले देखा तो आपको अपने कमेंट सेट कमेंट सेट करें, जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे मिसिंग करने देखने के लिए हम तब से फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।